mathematical station. This is chapter number 5 of class 6, understanding elementary shape. Exercise 5.2 question number 5. Find the number of right angle turned through by the R end of a globe when it goes from first 3 to 6. हमें बताना है कि अगर हमारी क्लॉक का जो आर एंड है 3 से लेके 6 तक मूव करेगा तो उसके बीच हमारे कितने राइट एंगल बनेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है इसका 3 टू 6. हमारा जो आर एंड है वो 3 पर है एंड उसको कहां तक लेके जाना है हमें, वो 6 तक मूव करेगा यानी कि वो 6 पे पहुंच जाएगा. सो 3 से लेके 6 तक हमारा कितने राइट एंगल बनेंगे, सिर्फ 1 राइट एंगल बनेंगे क्योंकि यहां पे 3 नंबर के बीच हमारा 190 डिग्री का एंगल बनता है. तो ये हो जाएगा हमारा 1 राइट एंगल. आंसर क्या होगा इसका, 1. राइट एंगल. नेक्स्ट इज का बी पार्ट, 2 टू 8. 2 से स्टार्ट करेगा हमारा आर एंड एंड वो 8 तक मूव करेगा यानी कि आर एंड कहां पर है हमारा, 2 पर है. उसको कहां तक लेके जाना है हमें, 8 तक लेके जाना है. ये 2 से लेके 8 तक ये स्ट्रेट लाइन बन गई है. ये कितने डिग्री का एंगल बना है हमारा, 180 डिग्री का एंगल बना है. सो 180 डिग्री में हमारे कितने राइट एंगल बनेंगे, 290 डिग्री का एंगल बनेंगे. या अगर हम यहां पे एक रफ लाइन ड्रा कर लेते हैं तो ये 5 पे जाएगा, यहां हो जाएगा 2 राइट एंगल. नाउ नेक्स्ट इज का सी पार्ट, 5 टू 11. हमारा आर एंड कहां पर है, 5 पर है और ये 5 से 11 पर जाएगा. सो 5 से 11 तक जाने के लिए इसमें एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. स्ट्रेट लाइन बनी है दैट मींस कि ये 180 डिग्री का एंगल है. 5 से 11 पे हमारा कितना एंगल बना, 180 डिग्री का. 180 में हमारे 290 बनेंगे, 90 प्लस 90 भी लिख सकते हैं हम इसको, तो ये हो जाएगा 2 राइट एंगल. या फिर एक हम रफली ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 3 नंबर के बाद अगर हम यहां पे एक एंगल बनाते हैं तो 190 का हमारा ये हो जाएगा, 190 का हमारा ये हो जाएगा. दोनों हमारे कितने बने, टोटल 180 के और इसमें बनेंगे हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल. नाउ नेक्स्ट इज का डी पार्ट, 10 टू 1. हमारा आर एंड कहां पर है, 10 पर है. 10 से वो 1 पे जाएगा. सो एंगल कैसे बनेगा, 10 से 11 जाएंगे, देन 11 से 12 एंड देन 12 से 1. यही तो होगा हमारा क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन. सो 10 से 1 तक जाने पे हमारा कितना एंगल बना है, एक बनेगा 90 डिग्री का एंगल. 10 से 1 तक जाने पे हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा तो ये हो जाएगा 1 राइट एंगल. नाउ नेक्स्ट इज का ई पार्ट, 12 टू 9. अब हमें 12 पे हमारा आर एंड है और उसको हमें कहां तक लेके जाना है, 9 तक लेके जाना है. तो वो यहां पर आएगा 9 पर. क्लॉकवाइज जाना है तो पहले 12 से 1 जाएंगे, देन 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही करके पहुंचेंगे. लेकिन हम इधर देख सकते हैं 12 से जब 9 पे आएंगे तो हम जल्दी से आ गए, यहां पे 90 डिग्री का बन रहा है. लेकिन हमें ये 90 नहीं मेजर करना, हमें एंटी क्लॉकवाइज वाला मेजर करना है. तो हमें ये वाला मेजर करना होगा. पूरा एंगल कितना बनता है हमारा, 360 का. 360 में से हम 90 माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, 270 डिग्री. यानी कि ये जो 12 से लेके 9 तक का जो हमारा एंगल बना है, ये बना है 270 डिग्री का. सो 270 में हमारे कितने 90 बनेंगे, 90 प्लस 90 प्लस 90 यानी कि 3 राइट एंगल बन गए. या तो हम ऐसे देख सकते हैं, दूसरा तरीका, अगर हम 12 से 3 पे जाएंगे तो एक राइट एंगल हमारा यहां पे बनेगा. फिर हम 3 से 6 पे जाएंगे, एक राइट एंगल हमारा यहां पर बनेगा. देन हम 6 से 9 पर जाएंगे तो एक राइट एंगल हमारा यहां पे बनेगा. यानी कि 12 से लेके 9 तक जाने पे हमारे पास 3 राइट एंगल बनेंगे. ये हो जाएगा 3 राइट एंगल. नाउ नेक्स्ट इज का लास्ट एफ पार्ट, 12 टू 6. हमारा आर एंड कहां पर है, 12 पर है. हमें कहां तक जाना है, 6 तक जाना है. ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है. स्ट्रेट लाइन बन गई तो ये 180 डिग्री का होगा. 180 डिग्री में 290 डिग्री का एंगल होता है. फिर दूसरा तरीका, 12 से लेके 3 तक जाने पे एक एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का. देन 3 से लेके 6 तक जाने पे दूसरा एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का. ये हो जाएगा 2 राइट एंगल. सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 एंड आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. बाकी आगे की क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं. आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए एंड फॉर फुल सिलेबस सब्सक्राइब माय चैनल.